नमस्ते दोस्तों, आज के बुधवार के यूट्यूब चैनल में मैं दीपक जोशी आईओई की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक छोटे से सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले कि हाउ टू कन्वर्ट प्रॉब्लम इनटू पॉलिसी। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, ताला है उसका मतलब चाबी जरूर होगी, इसका मतलब प्रॉब्लम है सॉल्यूशन जरूर। भगवान ने जहां जहां प्रॉब्लम बनाए, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं। एक बात समझ लीजिए, भगवान जब भी प्रॉब्लम देता है ना, अब एक बात समझिए, हम किसको कौन सा काम सौंपते हैं, इसका मतलब है हम कैपेबल आदमी को ही कोई भी काम असाइन करते। और भगवान हमें जो प्रॉब्लम देता है उसका मतलब भगवान को मालूम है ये आदमी इसको हैंडल कर पाएगा। तो भगवान जो प्रॉब्लम देता है ना, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। और जिनके जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम आए वो ही ज्यादा अक्ल वाले बने, वो ही ज्यादा स्मार्ट बने, वो ही ज्यादा अमीर बने। प्रॉब्लम नहीं है तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। कहा जाता है नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत होने पर ही नेसेसिटी होती इन्वेंशन होता है। और जरूरत कब होती है, जब प्रॉब्लम होता है। लेकिन हमें प्रॉब्लम पसंद नहीं आता है। और मैं तो बोलता हूं प्रॉब्लम है तो ही तो सॉल्यूशन है ना। अगर इंसान इस पृथ्वी में मरता ही नहीं था तो लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं होता था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और मैं तो सोच रहा हूं अगर इंसान मरता नहीं था तो क्या होता था। भगवान ने खूबसूरत सृष्टि की रचना की, जिसका जन्म है उसका मरण है। एक दिन एक इंसान के कोई रिलेटिव एक्सपायर हो गए, बहुत दुखी था, मेरे पास आया। मुझे बोले दीपक भाई मेरे फला फला व्यक्ति, एकदम नियर एंड डियर व्यक्ति का डेथ हो गया, मैं बहुत दुखी। दुख होना एक सामान्य बात है, होता है हर एक के, किसके भी जाने पर दुख होता है। लेकिन मैंने उसको बोला जिसको जाना है, जो आया है उसको जरूर जाना है। मैं हमेशा जब इंश्योरेंस सेल की बात करता हूं लोगों को, तो ये उनको पहले ही बोलता आप मर जाओगे, ऐसा मैं नहीं बोलता। और किसको अच्छा नहीं लगता आप मर जाओगे, ये बोलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जो बोलते हैं ना हो जाता है, और वो आदमी बोलेगा इसने बोला था करके हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसको अच्छी तरह से बोल सकते हैं। मैं लोगों को बोलता देखिए भाई साहब, जिसका इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है वो आज नहीं तो कल तो भगवान को प्यारा होना है, एकदम जरूर बात होना ही। आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। बोला हाँ जरूर जाएंगे, हम सब जाने वाले हैं। मतलब जाना है, अभी कब जाना है ये प्रॉब्लम सवाल है। सी जाना कब है, जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, कोई भी जाता तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ कभी कभी कोई जाता तो अच्छा लगता है। कब, शारीरिक बहुत परेशानी, बहुत दुख दर्द में है, कभी कभी वो जाता है तो लोगों को अच्छा लगता है, चलो भगवान ने उसको छोड़ दिया, भगवान उसका दुख दर्द कर लिया। लेकिन किसी को जाना अच्छा नहीं लगता है। हाँ बहुत जल्दी चले गए तो दुख का कारण है कि सभी जवाबदारी बाकी है और बहुत काम करना बाकी था। एक अपॉर्चुनिटी भी मर जाती है ना एक इंसान के साथ, वो जो कर पाता था इस पृथ्वी पे वो भी रह जाता है। सो जल्दी गया तो इश्यू है, लेट गया तो बहुत बड़ा इश्यू है, देरी से जाने के बहुत बड़ा इश्यू है। मैंने तो कहा जो जल्दी चला जाता है ना, कभी कभी मैं मानता हूं बहुत सुखी है, बहुत तकदीर वाला है। कि जो लेट जाते हैं, मतलब दूरी से देरी से ज्यादा, 80, 85, 90, 95, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बोल रहा हूं कि ये लोगों को हेल्थ अच्छा नहीं रहता, दिखता नहीं है, चल नहीं सकते, अपना नॉर्मल रूटीन काम खुद नहीं कर सकते, और ऐसी हालत में अगर जिंदा है बहुत बड़ी समस्या। और ऐसे टाइम पे अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनकी जीवन नर्क हो जाता, क्योंकि पैसे है ना तो कोई नर्स भी मिल जाएगी, पैसे है तो बहू भी काम कर लेगी, पैसे है तो सब लोग काम कर लेते,
हम करवा सकते हैं उनको कुछ ना कुछ, या तो डायरेक्ट पैसा देके या बख्शिश देके करवा सकते हैं। अपना कोई नहीं करे तो हम किसको, नौकर को रख सकते हैं, लेकिन पैसा भी नहीं होगा, तबियत भी नहीं होगा, बहुत कठिन काम है। हम लोग खाना नहीं बना सकते तो मंगवा सकते हैं, लेकिन कब पैसा, और पैसा है तो अपन लोगों को दे सकते हैं, बांट सकते हैं। जब लोगों को देते हैं तो लोग आते हैं, मिलने को आते हैं। मैंने देखा है अमीर लोगों को सब लोग मिलने जाते हैं। सो जल्दी गए तो प्रॉब्लम है, देर से गए तो डिफरेंट प्रॉब्लम है। टाइम पे गए, बोले टाइम पे गए, समय टाइम कौन सा कुछ बोलते 60-65 साल में चले गए। आदमी देखता है यार अभी बेटे की शादी हुई है, बेटे के घर पे बेटा आवे, कुछ तो देखे, अभी आज तक मैंने बहुत मेहनत किया, अभी तो सुख से जीने का टाइम आया था, वहां चला जाना। तो सही टाइम अभी तक तो कोई नक्की नहीं कर पाया है, लेकिन जनरली 60-65-70 लोग बोलते हैं भाई वो टाइम पे कोई जाता है तो बोलते हैं ठीक है। हाँ 70 के बाद गए तो बोलते हैं ठीक था, ऑब्वियस था। नाउ मैं देख रहा हूं हर आपको और मुझे एक ही काम करना है, इंश्योरेंस एजेंट, हमें पॉलिसी कहां बेचनी वो नहीं देखना है, प्रॉब्लम किधर है। रिटायरमेंट के लिए पैसे नहीं है, इज्जत से जीने के लिए पैसे नहीं है, प्रॉब्लम हमने ढूंढ लिया, चाबी तो हमारे पास है यार, सॉल्यूशन तो हमारे पास है, सॉल्यूशन की चिंता मत करो। चिंता किसकी करनी है, प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम ढूंढो, और कभी कभी प्रॉब्लम हो जाते हैं और तभी उस टाइम पे दिमाग चलाना, उसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं। देखो अचानक कोई प्रॉब्लम आया है, हमारे पास लोग आते हैं बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं, पॉलिसी सरेंडर करानी, अचानक आ जाते हैं, अननोन लोग आ जाते हैं, उनको बताते हैं आज आपकी उम्र है, आज आपके पास पैसे नहीं है, ये चीज 5-10 साल बाद भी आपको फेस करनी पड़ेगी, और हमारे पास जो पॉलिसी सरेंडर कराने को आता है वो सरेंडर नहीं करता, ऊपर से नई पॉलिसी लेके जाते, उसको थोड़ी समझदारी की जरूरत है। जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर है, जितने भी लोग ब्रांच में लोन लेने को आते हैं, पॉलिसी सरेंडर करने को आते हैं, पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, ये सभी लोग प्रॉब्लम में है। और अगर एक डेवलपमेंट ऑफिसर अगर देख ले कि इसको मैं कुछ सॉल्यूशन दे सकता हूं, दोस्तों आराम से सेल हो सकता है। लेकिन मैं आज जो आपको बात करने वाला, स्पेशल बात करने वाला हूं, अचानक कोई घटना हुई, तभी तभी अचानक कुछ घटना होती है, लोग थोड़े हिल जाते, डर जाते, और उसी टाइम पे सिक्स्थ सेंस से चलाना, इसको ही कन्वर्ट कर लू मैं। मेरे घर पे एक लेडी आई और उन्होंने बात किया कि आपके भाई, हमारे रिलेशन में भाई लगते, बोला आपके भाई मुझे चाहिए ऐसे पैसा नहीं देते, ये नहीं करते, उनको कुछ बोलो। अभी उनको मुझे कुछ बोलना था, मैंने सोचा ये तो प्रॉब्लम है, अभी इसको सॉल्यूशन लाना है। मैंने उनको पूछा आपका इंश्योरेंस कितना है, कम था, बोला आज वो चिल्ला रही है, आप नहीं है तभी वो चिल्लाएगी क्या, ऐसा डाटा ऐसा डाटा। उनका पॉलिसी लिया मैंने 2.25 लाख प्रीमियम, और उन बहन को मैंने बोला आपको कुछ भी पैसे का प्रॉब्लम है, ये भाई नहीं थे मेरे से ले जाइए, मैं उनसे बाद में ले लूंगा। बोला नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, मैं ही दे दूंगा। तो सिक्स्थ सेंस को काम पे चलाना, समाज में बहुत लोग आपके पास आएंगे, प्रॉब्लम लेके आएंगे, प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है पॉलिसी। मुझे एक घटना याद है, हमारे एक डेवलपमेंट ऑफिसर गाड़ी चला के जा रहे थे, मैं डीओ कोर्स चला रहा था, मुझे आके उन्होंने शेयरिंग किया, देखो क्या मजा आती है। बोला मैं एक एरिया से जा रहा था, गाड़ी चला के जा रहा था, और गाड़ी के नीचे मुर्गी आ गई, हैन बोलते ना कोमड़ा, अभी वो तो भागते रहते हैं, और कुछ एरिया ऐसे रहते हैं ना कि ये लोग देखते ही रहते हैं कि मेरा कोमड़ा उसके नीचे आ जाए और वो मर जाए, इसके लिए भगाते रहते। गाड़ी के नीचे मुर्गा आ गया, जिसको कोमड़ा बोलते,
मर गया, अभी मरेले कोमड़े को वो लोग ले जाते और वो ऐसे भी तो मारना था, मर गया उसको धो के वो अपना तो काम कर लेते, ऊपर से बोलते मेरा कोमड़ा मार डाला, मेरा कोमड़ा मार डाला, इतना पैसा लाओ इतना पैसा लाओ। तो जैसा कोमड़ा मारे 8-10 लोग आ गए, कोमड़ा मारा गाड़ी रुकाओ गाड़ी रुकाओ, गाड़ी रुकाई, नीचे आ जाओ, आपने कोमड़ा मार डाला, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। सोचो ऐसी सिचुएशन में आदमी सोचता है यार इनसे कैसा छुटकारा पाऊं। हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर भी टॉप के डेवलपमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने बताया ओके कितना पैसा चाहिए, बोलो 200 रुपया, पुरानी बात है, आज होता था 500,000 मांगता था, किसको किसको चाहिए, सभी लोग बोलो मुझे चाहिए, अभी बोलो कोमड़ा एक मर गया, सभी लोग 200 रुपये मांगने को आए। और डेवलपमेंट ऑफिसर हंसने लगा, ठीक है चलो कितने लोगों को चाहिए, बाजू आजा, बाजू में बुला लिए, सबको चाहिए, बोला हाँ सबको चाहिए, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपका कोमड़ा मार डाला आप 200 रुपये मांग रहे हो, आपको मार डाला होता तो आप कितना पैसा मांगते, सोचा ही नहीं था। अभी सब लोग हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में थे, बाजू में वाइफ खड़ी थी, बोला पूछो आपके हस्बैंड को मैंने मार डाला था आप कितना पैसा मांगते थे। सोचने की गई यार, कोमड़ा मर गया तो हम पैसे मांगते, और इस दुनिया का दस्तूर है साला कोमड़ा मर गया तो पैसे मांगते, आदमी मर गया तो पैसा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। सभी लोग सोच में गिर गए, बोले इसने तो उल्टा सवाल पूछ लिया, बोले चलो सब लोग 200-200 रुपये निकालो, सभी लोग से उसने 200-200 रुपया लिया, बोला 200-200 रुपया लाओ मैं बता रहा हूं कितना पैसा दूंगा, आपको मैंने मार डाला हरेक को मैं 5-5 लाख रुपया दूंगा महीने का 200 रुपया। तो कुछ उसने हिसाब निकाला, कोई पॉलिसी बताई, अच्छा यार 200 रुपये में 5 लाख। और दोस्तों उसी डेवलपर उधर के उधर जो 12 लोग थे, 12 के 12 लोग का पॉलिसी, इसका मतलब है प्रॉब्लम था, 12 लोग मारने को आए थे, 12 लोग का उन्होंने पॉलिसी लिया। तो अगर हम प्रॉब्लम को देखें और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, इनको क्या फायदा पहुंचा सकता हूं, अगर ये नक्की कर ले हम कोई भी सिचुएशन को, एनी प्रॉब्लम वी कैन कन्वर्ट इनटू ए पॉलिसी। और दोस्तों ऐसी सब ज्यादा बातें जान, अच्छी चीजें जाननी है, मैं नेक्स्ट लेवल करके कोर्स लेके आ रहा हूं 16, 17, 18 अगस्त को, और 28, 29 को कॉर्पोरेट कोर्स लेके आ रहा हूं। और दोस्तों आप सभी के लिए, जो लोग नए हैं जिन्होंने बेसिक एडवांस कोर्स नहीं किया है, बेसिक कोर्स आ रहा है 13, 14, 15 तारीख को, जरूर कर लीजिए, आपका बहुत बड़ा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।